नमस्कार दोस्तों, दीपावली अमावस्या को है और अमावस्या को इस साल सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, तो सूर्य ग्रहण होने की वजह से छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली दोनों एक ही साथ मनाई जाएंगी। तो आइए जानते हैं छोटी दीपावली का शुभ मुहूर्त। छोटी दीपावली धनतेरस के एक दिन बाद और दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाती है। छोटी दीपावली कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और इसे बहुत जगह नरक चतुर्दशी कहा जाता है और कुछ जगह इसे काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि 23 अक्टूबर 2022 को शाम को 6:03 से शुरू होगी और कार्तिक चतुर्दशी समाप्त होगी 24 अक्टूबर को शाम को 5:27 पर। इस बार नरक चतुर्दशी 23 अक्टूबर 2022 को रात्रि में 11:42 से रविवार 24 अक्टूबर को दोपहर 12:33 तक रहेगी। तो नरक चतुर्दशी का पर्व उदिया तिथि के अनुसार 24 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा। नरक चतुर्दशी का अभ्यंगम स्नान मुहूर्त 24 अक्टूबर को सुबह 5:08 से सुबह 6:31 तक रहेगा। इसकी अवधि रहेगी 1:23। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर काली चौदस भी मनाई जाती है। इसमें मध्य रात्रि में माँ काली की पूजा की जाती है। काली पूजा रात में होती है, ऐसे में 23 अक्टूबर को काली चौदस की पूजा की जाएगी। काली चौदस का मुहूर्त रहेगा 23 अक्टूबर 2022 को रात 11:42 से 24 अक्टूबर को रात में 12:33 तक रहेगा। नरक चतुर्दशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन विशेष रूप से भगवान यम की विशेष पूजा की जाती है। वहीं यमदेव को प्रसन्न करने के लिए दीपों का दान किया जाता है। साथ ही कूड़ेदान के पास एक दीपक जलाया जाता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए विशेष प्रार्थना की जाती है। तो नरक चतुर्दशी की पूजा इस प्रकार करें। नरक चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहन लें। इसके बाद घर के मंदिर की सफाई करें, सभी देवताओं को स्नान कराएं, प्रदोष काल में देवघर में दीपक जलाएं, घर के मुख्य द्वार या आंगन में दीपक जलाएं, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। नरक चतुर्दशी के दिन कुछ उपाय हैं, वो ज़रूर करने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छोटी दिवाली के दिन यहाँ पे जो 5 उपाय दिए गए हैं, इनको करने से घर में सुख समृद्धि का संचार होता है, साथ धन आगमन के मार्ग भी खुलते हैं। तो आइए जानते हैं ये कौन से उपाय हैं। छोटी दीपावली या नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का महत्व बताया जाता है, माना जाता है। ऐसा करने से श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है और छोटी दीपावली को रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महिलाओं द्वारा रूप निखारने के लिए बहुत से उपाय किए जाते हैं। ऐसे में इस दिन स्नान से पहले उपटर जरूर लगाना चाहिए। रूप चतुर्दशी के दिन हल्दी चंदन के उपटन के साथ ही
तिल के तेल से स्नान करना चाहिए। स्नान आदि के बाद सूर्य देवता को जल भी अर्पित करें। हनुमान जी की पूजा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार छोटी दीपावली के दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। ऐसे में इस दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ ही उनका पूजन भी करना चाहिए। नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के दिन एक मुख्य दीप जलाना चाहिए। इस मुख्य दीप को यम देवता के लिए दीपदान कहा जाता है। यह दिया दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक होता है। छोटी दिवाली के दिन आप बहुत से चमत्कारी यंत्र जैसे अष्टलक्ष्मी यंत्र और श्री कुबेर यंत्र को घर में स्थापित कर सकते हैं। इस यंत्र को स्थापित करने के बाद आप दिवाली पर इन यंत्रों का पूजन कर सकते हैं। इन यंत्र के पूजन से आपको अवश्य ही शुभ फल प्राप्त होंगे। छोटी दिवाली 2022 के उपलक्ष पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना कीमती वक्त जो हमें दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।